शहर में जब आपके पास से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलेंगी ना भाई, पैदल जब आप जाओगे। पर एक पोस्टमैन होता है और एक बार एक लड़की होती है करती है, लेकिन अब की बारी फिर लेटर का एड्रेस कंप्लीट तरीके से जला हुआ। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ कि ज़िंदगी में आपको कैसे एकदम फिट और आपको कैसे एकदम हेल्थी रहना है। दोस्तों ये मेरे इस चैनल की सबसे बेस्ट और सबसे फेवरेट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को भाई कंप्लीट तरीके से अच्छे से देख लेना और समझने की कोशिश करना कि भाई मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा मैं आपको फॉर्मूला देने वाला हूँ जो कि आपको पता है, लेकिन सिर्फ आप उसको नज़रअंदाज कर देते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, और ये वीडियो आप इस कहानी में इन्वॉल्व होने वाले हो। तो गाइस आंखें बंद करके कंप्लीट तरीके से वीडियो देख लेना, मेरे लिए सिर्फ आज 5 या 10 मिनट निकाल लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों होता यूँ है कि एक बार एक पोस्टमैन होता है और एक बार एक लड़की होती है। हमारी कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं, एक पोस्टमैन, एक लड़की और एक आप जो अब मेरी वीडियोस देख रहे हो। आज भाई हम फेस टू फेस बातें करने वाले हैं, मैं आपको सारी चीज़ समझाने वाला हूँ, आज सिर्फ आप और सिर्फ मैं। तो चलिए बताता हूँ आपको। तो होता यूँ है कि भाई एक लड़की जिसका नाम है प्रियंका, वो एक लेटर भेजती है आपको आपके घर पे एड्रेस पे। तो जाहिर सी बात है उसको एड्रेस भेजने के लिए, लेटर आपके घर तक पहुंचाने के लिए उसको क्या चाहिएगा, आपका कंप्लीट एड्रेस। प्रियंका ने भाई आपके घर में आपके पास एक लेटर भेजा जिसके ऊपर आपके घर का पूरा पता लिखा हुआ था। पोस्टमैन आया, पोस्टमैन ने आपको लेटर डिलीवर कर दिया, आपने लेटर पढ़ा और जो भी उसने प्रियंका ने बात लिखी थी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। आपको बात क्यों समझ आई, क्योंकि उस लेटर पे जो आपका एड्रेस था वो बहुत ही साफ और बिल्कुल ही आसान तरीके से लिखा हुआ था और कंप्लीट था सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगली बारी फिर प्रियंका आपके पास एक लेटर भेजती है। अब की बारी होता क्या है कि रास्ते में भगवान जाने क्या होता है उस लेटर के साथ, वो लेटर जो है थोड़ा सा नीचे से फट जाता है और जल भी जाता है। जलने के बाद उस पे जो है एड्रेस लिखा हुआ आपका, एड्रेस कंप्लीट तरीके से नहीं दिख रहा होता भाई, लेकिन पोस्टमैन के पास लेटर आता है, पोस्टमैन उसको देखता है और पोस्टमैन सोचता है हाँ भाई इसी एड्रेस पे पहले भी मिलता जुलता एक एड्रेस पे एक लेटर आया था, क्या पता वो उसी इंसान का ना हो। पोस्टमैन आपको आता है, पोस्टमैन आपसे पूछता है कि हाँ ये कंप्लीट एड्रेस यही है, आप कहते हो हाँ ये मेरा एड्रेस है, आप उस लेटर को रिसीव कर लेते हो। नेक्स्ट टाइम फिर भाई प्रियंका आपको जो है एक लेटर भेजती है आपके घर पे, लेकिन अब की बारी जो लेटर था वो भाई आधा लेटर जल चुका था, जो एड्रेस लिखा हुआ था लेटर के ऊपर वो कंप्लीट तरीके से अब आधा जो है जल चुका था। फिर पोस्टमैन के पास लेटर पहुंचता है, पोस्टमैन देखता है भाई ये क्या, अब की बारी तो आधा लेटर जल चुका है, आधा एड्रेस जल चुका है, अब मैं कैसे इसको डिलीवर करूँ, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। पोस्टमैन फिर भी अंदाज़ा लगाता है, पोस्टमैन उसको पहुंचा देता है आपके घर तक कैसे ना कैसे, और आपको पता लग जाता है कि मेरे नाम से एड्रेस आया था। नेक्स्ट टाइम फिर भाई प्रियंका आपको लेटर भेजती है, लेकिन अब की बार जो है लेटर पे एड्रेस लिखा हुआ भाई कंप्लीट तरीके से जला हुआ होता है। लेटर के अंदर जो है आपका जो है उसका फॉर्मेट, जो उसकी चीज़ थी वो बिल्कुल ही ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या जला हुआ है, एड्रेस जला हुआ है। एड्रेस जलने से भाई क्या होगा, पोस्टमैन को तो पता ही नहीं चलेगा कि मेरे को ये लेटर कहाँ पे पहुँचाना है। अब तो पोस्टमैन बिल्कुल ही कंफ्यूज, पोस्टमैन क्या करता है उस लेटर को फाड़ देता है और उसको फेंक देता है। फिर एक बार और प्रियंका लेटर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन अब की बारी फिर लेटर का एड्रेस कंप्लीट तरीके से जला हुआ होता है। तो क्या होता है पोस्टमैन, आप खुद बताओ, पोस्टमैन क्या उस लेटर को डिलीवर कर पाएगा, क्या आपके घर तक पहुंचा पाएगा। तो दोस्तों आपको ये ही बात समझनी है भाई कि आप अपने जीवन के साथ और जो शरीर के साथ और आपके खाने के साथ आप क्या कर रहे हो, मेरे को खुद बताओ। भगवान ने जो खाना हमको बना के दिया है, क्या वो खाना हमको जला के खाने के लिए दिया है,
हाँ वो बात अलग है कि हम उसको एक स्वाद के रूप में और एक उसको हम थोड़ा सा अच्छा लगने के रूप में हम उसको खा रहे हैं, तो अब हम उसको वो अच्छा लगता है इसलिए हम उसको थोड़ा पकाते हैं खाने को। लेकिन पकाने से क्या होगा भाई, जो खाने के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है, तो गाइस आप खुद सोचो, क्या जो खाना जो हमने जला दिया है, हमने अपने शरीर के अंदर डाला है जला के, क्या वो हमारे शरीर तक, हमारे शरीर की ज़रूरी चीज़ों तक पहुंच पाएगा? जो हमारे खाने के अंदर एड्रेस लिखा हुआ है भाई, भगवान ने सारी चीज़ें जो है सोच समझ कर बनाई हैं, क्या हमारे शरीर में वो चीज़ें पहुंच पाएंगी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे शरीर तक कोई भी चीज़ नहीं पहुंच पाएगी भाई, जब तक हम अपने खाने को जलाते रहेंगे और फिर उसको खाएंगे, तो हमारे खाने के अंदर एड्रेस जो लिखा हुआ है वो कंप्लीट तरीके से जल जाएगा और ना ही नहीं वो जहाँ तक उसको पहुँचना चाहिए था वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। भगवान ने, कुदरत ने हर एक खाने के अंदर बहुत सारी चीज़ें दी हैं, विटामिन्स दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दिए हैं, प्रोटीन्स दिए हैं, उनके अंदर उसका एड्रेस लिखा हुआ है कि ये शरीर तक, यहाँ शरीर में यहाँ तक पहुँचने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं उस चीज़ को जला देते हैं। जलाने से क्या होता है, हमने एड्रेस जला दिया, अब वो भाई घूमता फिरता भटकता इधर उधर जाके वो प्रॉपर एड्रेस तक नहीं पहुंच पाएगा भाई, जब तक आप जलाते रहोगे उस खाने को। तो दोस्तों अब मैं ये समझ लेता हूँ कि अब आपको जो है कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, अब आपको पता लगा होगा कि हाँ भाई आगे से मेरे को कैसा करना है, आगे से मेरे को अपने फूड में, अपने खाने में किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ानी है, किस चीज़ का मेरे को ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं अपने खाने में। गाइस जो चीज़ आप अपने शरीर के अंदर डाल रहे हो ना, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने शरीर के अंदर क्या चीज़ आपके जा रही है भाई। और गाइस अगर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच चुके हो ना, तो आगे की भाई 2 या 5 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाली है। तो गाइस ये चीज़ मैंने बहुत ही ज़्यादा नोटिस की है कि आजकल जो है यंग एज के बच्चे भाई बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। टेंशन में भाई क्या है उनको टेंशन, उनको यही नहीं समझ आ रहा कि मेरे को ज़िंदगी में करना क्या है। एक्चुअली में भाई मैं आपको बताता हूँ आपको ज़िंदगी में अब करना क्या है। हम पता है क्या कर रहे हैं, हम सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि हम अपने दिमाग में जी रहे हैं भाई, हम अपने विचारों में जी रहे हैं, हम अपने थॉट्स में जी रहे हैं। हमको सबसे पहले भाई इस चीज़ में से बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकल के हम क्या करेंगे, हमको इस दुनिया को समझना पड़ेगा भाई। जब तक आप इस दुनिया के नेचर के साथ नहीं जुड़ोगे, इस दुनिया के साथ नहीं जुड़ोगे, तब तक भाई कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इस दिमाग से बाहर नहीं निकलोगे, हम सिर्फ एक कमरे में बैठकर फ़ोन चलाकर हम ये सोचते हैं कि भाई हाँ मैंने ये करना है, ये करना है, लेकिन जब करने की बारी आती है हम नहीं कर पाते, क्योंकि भाई ये जो फ़ोन है ना सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी ख़त्म कर रहे हैं। सब कुछ भाई ये जो है आपके अंदर से खींच रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा, हाँ भाई मेरी एनर्जी जहाँ का आ रही है। इस एज में जो आपकी एनर्जी है ना भाई, जो पॉजिटिव चीज़ों पे लगनी चाहिए, वो तो लगी नहीं रही। वो कहाँ लग रही है, इस फ़ोन में लग रही है। इस फ़ोन में जो हम वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, स्टोरीज देख रहे हैं भाई, हमारा अंदर के जो केमिकल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, जो हमारी एनर्जी है वो ख़त्म होती जा रही है। इससे अच्छा भाई क्या है, आप अपनी हॉबीज़ को फॉलो करो, जो आपको स्पोर्ट्स पसंद है स्पोर्ट्स में फॉलो करो। ये मत सोचो कि हाँ भाई क्या होगा आगे, इससे इसमें मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये मत सोचो। लेकिन अगर आपकी वो हॉबी है, अगर आपको चीज़ करना पसंद है, तो आप उसे करो। इससे क्या होगा बेनिफिट, आपको जो है फिज़िकल एक्टिविटी होगी, आपके माइंड में ऐसे ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जिससे आप जो है टेंशन फ्री हो जाओगे। और अगर भाई कुछ करोगे ना, तभी भाई आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पड़े पड़े तो आपको सिर्फ रिग्रेट ही मिलेगा। और जो भाई पेन ऑफ रिग्रेट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा है भाई, बहुत ज़्यादा गंदा। ये क्या करता है, ये इंसान को अंदर से ख़त्म कर देता है। और पेन ऑफ रिग्रेट पता है किसको होता है, जो भाई कुछ कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में बाहर निकलोगे भाई, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, चलो आप घर पे हो, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा ना, तो भाई एक बार अपने शहर का जाओ, चक्कर लगा के आओ, फ़ोन मत लेके जाओ, फ़ोन को घर पे पड़ा रहने दो, अगर लेके भी जाओ तो उसको जेब में डाल के रखना, बाहर मत निकालना, जाओ शहर का चक्कर लगा के आओ, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि हाँ मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ, शहर में कितने सारे लोग हैं, शहर में लोग क्या क्या कर रहे हैं, शहर में लोग कितने बिजनेस डेली स्टार्ट हो रहे हैं। शहर में जब आपके पास से बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलेंगी ना भाई, पैदल जब आप जाओगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मैंने अपना समय कितना कीमती ख़राब कर दिया, मेरा जो गोल्डन पीरियड था सिर्फ फ़ोन में रील्स देखकर, या फिर मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा सिर्फ सोच सोच कर,
स्टेप कोई नहीं लिया अभी तक। स्टेप कब लोगे? कब स्टेप ले पाओगे? जब इस दुनिया में घुलोगे, इस दुनिया को पहचानोगे, जब इस नेचर को पहचानोगे, तब आप अच्छे स्टेप्स खुद ब खुद उठाना सीख जाओगे। तो गाइस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।